Prime Minister Modi has raked up a speech made by former PM Jawaharlal Nehru in 1959, where he said that no attempt of working hard has been made in India. Prime Minister Modi said that he has seen prime ministers who called Indians lazy from the Red Fort. He claimed that PMs with such a mentality cannot develop India. Prime Minister Modi further claimed that the country would have been 5 decades ahead from now had the Congress been dissolved after independence. This is not the first time Prime Minister Modi has slammed former Prime Minister Nehru for calling Indians lazy. This latest jibe comes during PM's rally in Mumbai last evening. But did former PM Nehru really call Indians lazy? Let's in fact listen in to what he said in 1959 on Independence Day. हमारे यहाँ अभी हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं हुई। हमारा कसूर नहीं, आदतें ऐसी पड़ जाती हैं वाकयात से, लेकिन बात यह है कि हम उतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले कहीं करते या अमेरिका वाले। ये न समझिए कि वो कौमें खुशहाल हो गईं कोई जादू से, मेहनत से हुई हैं और अकल से हुई हैं। तो हम भी मेहनत और अकल से बढ़ सकते हैं, कोई और चारा नहीं, कोई जादू से हम नहीं बढ़ सकते, क्योंकि दुनिया चलती है इंसान के काम से, इंसान की मेहनत से सारी दुनिया की दौलत पैदा होती है। All right, Congress leader Mr. Chandra Mohan is also joining us on the broadcast. Mr. Mohan, if you can hear me. Chandra Mohan ji, Pradhan Mantri Modi ne purv Pradhan Mantri Jawaharlal Nehru par nishana sadha hai aur kaha hai ki wo hamesha se hi bhartiyon ko aalsi batate the. Dekhiye, desh ke Pradhan Mantri 10 saal se sirf kar kya rahe hain desh ke andar, wo sirf पूर्व प्रधानमंत्रियों के ऊपर अच्छा चक्कर रहे और उन पर ब्लेम लगाते आ रहे हैं। और अगर देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने अगर ये वक्तव्य कहा था तो आज के 10 साल के ऊपर जो नरेंद्र मोदी जी उनके ऊपर चित्तार्थ हो जाता है, क्योंकि 10 साल में जो उन्होंने वादे करे, जिन स्पीच उन्होंने कहा था कि मुझे 60 दिन दे दीजिए, 5 साल दे दीजिए, मैं झोला उठा के चला जाऊंगा, देश की जनता ने उनको वो 5 साल के बाद फिर 5 साल दिए। 10 साल देने के बाद भी ना तो देश के अंदर 2 करोड़ रोजगार मिले, ना 15 लाख आए, ना स्मार्ट सिटी बनी, ना देश के अंदर महिला के सम्मान के अंदर कोई जो इजाफा हुआ, ना देश के अंदर जो युवा था 70% जो देश की तरफ निहार रहा था वो खत्म हुआ, ना देश के अंदर वो भ्रष्टाचार खत्म हुआ जिस भ्रष्टाचार के ऊपर देश की जनता ने लबोलोप करके भाजपा और नरेंद्र मोदी जी को वर्चस्व दिया। आजकल के बाद भी जिस सुस्ती से देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, तो मेरा मानना तो यह है कि वो बात आज चित्तार्थ हो जाती है कि अगर आपको जनता विश्वास भी दे और विश्वास देके जितवाए भी, और आप कहीं तो 5 साल मांगो और देश की जनता आपको 10 साल दे दे, और 10 साल के बाद आप 15 साल आगे मांगो, लेकिन पिछले 5 सालों का भी कोई बखान ना कर पाओ, फिर 5 साल का करना पाओ, प्लानिंग आपके पास है नहीं, तो आपका सुस्त कार्य प्रणाली आज देश पे बोझ बन गई है, इससे देश की जनता आपको पटकना चाहती है, उलटना चाहती है। चलिए सर, हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। नाउ लेट्स टेक अ लिसन टू प्राइम मिनिस्टर मोदीज लेटेस्ट रिमार्क्स। कमी उस सरकार में थी जिसने भारतीयों के सामर्थ्य पर भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया। और मैंने ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं, और मैं आप सबको कहूंगा, मुंबई वालों को, कि YouTube पर जाकर के लाल किले से अब तक कौन प्रधानमंत्री क्या बोले हैं सारा अवेलेबल है। आप हैरान हो जाएंगे, एक वो भी वक्त था जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले से हम भारतीयों को आलसी कहकर पुकारते थे।
जिन सरकारों की सोच ऐसी रही हो वो देश को कभी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। मैं आज पूरी गंभीरता से कह रहा हूं, आजादी के बाद गांधी जी की सलाह पर अगर कांग्रेस को भंग कर दिया गया होता तो आज भारत कम से कम 5 दशक आगे होता। Colleague Manohar Kesari is also joining us on the broadcast to talk more about this. Manohar, बड़ी बात कही प्रधानमंत्री मोदी ने, कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी 5 दशक पहले ही अगर खत्म कर दी जाती तो आज भारत की तरक्की काफी आगे होती। देखिए बिल्कुल, चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात मुंबई में कही है और उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस और कांग्रेस के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर उन्होंने अटैक किया है। कुछ देर पहले हमारे व्यूअर्स सुन रहे थे कि किस प्रकार से लाल किले के प्राचीर से भारतीयों को आलसी कहा गया था और इसी को रिमाइंड करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला किया, अटैक किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बात कही कि गांधी जी की बात मान लेते तो देश आगे रहता और हम जो 2047 तक भारत को विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं वो हम आप लोगों को विकसित भारत दे करके जाएंगे और दे रहे हैं, हम उस प्रकार से आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस आधार पर, मतलब भारत को विकसित बनाने के आधार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वोट मांगते नजर आ रहे हैं। हालांकि डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली उन्होंने इस बात को कहा, जवाहरलाल नेहरू का नाम उन्होंने लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके बयान जो हैं सो हर जगह सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, आप सुन सकते हैं। और बिल्कुल हमने उसे खोजा और दर्शकों को, अपने व्यूअर्स को सुनाया और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने अटैक किया है। जी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, प्रधानमंत्री मोदी ने अटैक किया और ये बात हमने सुनाई भी। और जिस तरीके से ये इस पूरे भाषण को प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक तरह से बयां किया वो काफ़ी दिलचस्प है। दिलीप, माय कलीग इज़ आल्सो जॉइनिंग अस एट दिस पॉइंट इन टाइम। दिलीप, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। जी जी, दिलीप क्या लगता है आपको, प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो बात कही है, ये हमने सुनाई भी लोगों को, क्या एक तरह से दर्शाती है ये आजकल के राजनीतिक माहौल के बारे में? देखिए, प्रधानमंत्री का यह बयान अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देख रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया जिस तरीके से जा रही है और देश में 4 चरण के चुनाव होने के बाद जो माहौल बना हुआ है, प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं नेहरू जी के जमाने से लेकर के अब तक लगातार अपने चुनावी भाषणों में कांग्रेस पर जिस तरह से अटैक करने की कोशिश की है, शायद प्रधानमंत्री जी की सोची समझी रणनीति के तहत एक बार फिर से कांग्रेस से घेरने की कोशिश है। क्योंकि आप जब भी देखते होंगे, प्रधानमंत्री जब देश की तरक्की की बात करते हैं नरेंद्र मोदी, तो वर्तमान अपने द्वारा किए कार्यों की चर्चा तो करते ही हैं, लेकिन जब कंपैरिजन की बात आती है तो शायद नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे नेता है जो नेहरू जी के जमाने से कांग्रेस के जो किए हुए कार्य है और उनके कार्यकाल में जो काम, उनकी कंपैरिजन करते, और यही कारण है कि उनके कई भाषणों में जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो चर्चा होती है और उनके समय जिस तरह के भाषण के बारे में उन्होंने कोट किया है कि इंटरनेट पे और तमाम जो प्लेटफॉर्म है जहां पे वीडियो उपलब्ध होती है वहां पे उपलब्ध है, आज के युवाओं को सुनना चाहिए, तो उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की। और आज की जो युवा पीढ़ी, आप कह सकते कि फर्स्ट टाइम जो वोटर है, उनके मन में भी एक नई तरह की कौतूहल पैदा करने की कोशिश की है नरेंद्र मोदी ने। और यही इसलिए ही नरेंद्र मोदी को जाना भी जाता है कि हर बार अपने चुनावी भाषण में जो आम लोगों से कनेक्ट करने की और खास करके जो महिला है और जो फर्स्ट टाइम वोटर, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको अपने तरफ आकर्षण करने के लिए कई पुरानी बातों को, इतिहास के बातों को जिस तरह से लोगों के सामने रखते हैं, इस पर एक नई सिरे से चर्चा होती है। आप देखेंगे कल के मोदी जी के इस बयान के बाद जिस तरह से लोगों ने इस वीडियो को खोजना शुरू किया है, इस वीडियो के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है, तो मोदी जी की जो प्लान होती यही होती है कि कुछ ऐसे बातों को लोगों के बीच रखा जाए ताकि लोग उस पर सर्च करें, उसके बारे में जाने। और मैं कह सकता हूं कि यह एक तरीके से चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है और यही सोच करके नरेंद्र मोदी ने शायद इस तरह का बयान दिया है। जी दिलीप, ये समझना भी बहुत जरूरी होगा कि
जिस हवाले से पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी ये बात कही, उन्होंने जापान का जिक्र किया, चीन का जिक्र किया और बाकी फ्रांस का जिक्र किया और कहा कि यहाँ के लोग जो होते हैं वो ज़्यादा फुर्तीले होते हैं, ज़्यादा चुस्ती होती है और यही एक वजह है कि वो हमसे आगे हैं। बल्कि 1960 का एक ऐसा दशक था दिलीप जहाँ पर चाइना भारत से आगे नहीं था, दोनों की लगभग जो आर्थिक स्थिति थी वो बराबर की थी, फिर भी ये तुलना की गई, ये भारतीयों के खिलाफ एक तरह से नाइंसाफी थी। देखिए बहुत बार परिस्थितियां ऐसी होती है और समय ऐसा होता है कि उन्होंने जिस समय यह बात कही उस समय क्या परिप्रेक्ष्य था उस समय की बात है। लेकिन हाँ, अब आज हम 2024 में खड़े हैं और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्व प्रधानमंत्री के समय की बात है, तो एक लंबा समय निकला, लगभग 60 वर्षों का, आप 60-65 सालों का ये जो मामला है। लेकिन उन्होंने जिस समय कहा था, नो डाउट आजादी के बाद भारत की जो स्थिति थी, जो रफ्तार होनी चाहिए थी और लंबे गुलामी के बाद भारत को आजादी मिली थी और भारत धीरे धीरे तेज रफ्तार की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन यह भी सच है कि भारत के समकक्ष जापान और चाइना को आजादी मिली और जापान और चाइना विकास की गति में जिस तेजी से आगे बढ़े, भारत को जिस गति में बढ़ना चाहिए वो शायद नहीं हो पाया। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, सरकार की पॉलिसियां है, विदेश पॉलिसी है, भारत की अपनी आर्थिक स्थिति है, भारत की अपनी सामाजिक ढांचा है, जिसके साथ हम जापान और चाइना की तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यह ठीक है कि एक प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी ने इस बात को उठाया है और वह हर बार अपने पिछले दो कार्यकाल में भी इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से उन्होंने रखने की कोशिश की और अभी भी कर रहे हैं कि भारत की रफ्तार विकास के मामले में जो होना चाहिए था वह नहीं हो पाए। लेकिन ठीक है, सरकार की अपनी नीति है, नेहरू जी की भी अपनी नीति थी जिन्होंने जिस नीति के तहत अपनी सरकार चलाई और भारत को जिस रास्ते पे ले जाना चाहिए था वह ले गए। लेकिन अब यह है कि आज का जो भारत है, युवा भारत है, 2024 का भारत है और हर कोई चाहता है कि भारत की जो विकास गति है वो तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़े। और आप देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों में इस रफ्तार में तेजी भी आई है, क्योंकि आप वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ भारत की इकोनॉमी की जो तुलना करेंगे तो आप देखिए कि रैंकिंग कितनी तेजी से उछाल मारा है। तो यह अपने आप में संतोषजनक और हम आशा करते हैं कि नई सरकार जब आएगी उसमें भी भारत की जो विकास की गति है वो और तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी। जी, For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.